आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वालियर में बीती रात न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्वालियर, टीकमगढ़, मलाजगंज सबसे ठंडे रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने सावधान रहने की हिदायत भी दी है। लगातार ठंड का प्रकोप मध्य प्रदेशवासी झेल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। आगामी दिनों में ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। तो दोनों ही राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गुजरते वक्त के साथ लगातार शीतलहरी भी महसूस की जा रही है। कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। आगामी दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, टीकमगढ़, मलाजखंड सबसे ज्यादा ठंडे रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 3 से 4 दिन से मध्य प्रदेश ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही हालात हैं। 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर अधिकतर जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। तो हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी और नितिन नामदेव, और इसी के साथ वीरेंद्र गहवई जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी, आपका रुख करते हैं। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त किस तरीके की ठंड प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी है और सबसे अधिक जो सर्दी का असर है वो ग्वालियर इलाके में है। दिल्ली से लगा हुआ इलाका है और ग्वालियर की सर्दी हाड़ कांपा देने वाली सर्दी होती है। उसकी एहसास, उसकी आहट शुरू हो गई है। हालांकि इस बीच हम बात करें, एक बड़ी राहत की खबर है मौसम केंद्र की ओर से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में इस समय है और उसके कारण 2 से 3 दिन तक सर्दी से हल्की सी राहत मिलेगी। हालांकि ये राहत बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली, लेकिन हाँ हल्की राहत है। न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो कई जो जिले हैं वहां पर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। फिलहाल हम देखें सर्दी का सितम लगातार जारी है। कल का जो न्यूनतम तापमान है वो काफी कम था और इसके जो आंकड़े मौसम केंद्र कुछ देर बाद जारी करेगा, लेकिन हाँ एक राहत भरी खबर ये है कि अगले 2 से 3 दिन में हल्की राहत रहेगी, लेकिन इसके बाद फिर कड़ाके की सर्दी एक बार शुरू होगी। और जो बात कही जा रही है 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के कई शहरों का रहने वाला है, जिसमें ग्वालियर इलाके के साथ पचमढ़ी की बात करें उस इलाके में भी, मालवा के कई जिले हैं जहां पर की तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। और अधिकतम तापमान में भी लगातार गिरावट होगी। अधिकतम तापमान 4 से 5 दिन बाद कई जिलों का 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यानी मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का दौर एक बार फिर शुरू होगा। ठीक है, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, रायपुर में तो बताया जा रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया, और फिलहाल आज क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित ही छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में जो है काफी कड़ाके की ठंड देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी विशेष ठंड है, लेकिन उतनी नहीं देखी जा रही है। और ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ठंड बस्तर इलाके में, अंबिकापुर क्षेत्र में वहाँ है। रायपुर में फिलहाल मैं इस वक्त हूँ, राजधानी रायपुर का यह गांधी उद्यान मैदान है और काफी बड़ा जो है पार्क है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। उनसे ही जानेंगे मौसम का फिलहाल हाल क्या है। अच्छा, आप काफी टाइम से आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह से मौसम है, क्या देखते हैं आप? मौसम कल शाम से बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन पहले यहाँ बहुत सर्दी थी, लेकिन अब कल से और आज रात में भी गर्मी थी।
अभी दिन में भी मौसम खुला हुआ है, मौसम बहुत बचा है। आने वाले समय में और भी ठंड होगी? अब इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन आज कल से मौसम बहुत अच्छा है। सर जी और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, काफी टाइम से आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मौसम भी आने वाले समय में और भी ठंडी होने वाली है, किस तरह से रहेगा? आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी है ना, ठंडी बढ़ेगी। पानी गिरा है छूटा, साफ मौसम में तो ठंड तो बढ़ना ही है। अलाव का प्रयोग मोटे कपड़े का आप लोग करते हैं? हाँ हाँ, करना पड़ रहा है, कम्बल उम्बल का बढ़िया चल रहा है प्रयोग। देखिए ये कुछ लोग हैं, ये रायपुर का गांधी उद्यान है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ठंड फिलहाल है, लेकिन जो लोग हैं वो भी एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में और भी ठंडी देखने को मिलेगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, और शीतकालीन सत्र के चलते लगातार जो बच्चों की, जो स्कूलों की छुट्टी होती है, लगातार एक सप्ताह की छुट्टी भी इन दिनों दी जाती है। और आने वाले जनवरी जब न्यू ईयर आएगा तो उस दौरान और भी छत्तीसगढ़ में ठंडी देखने को मिलेगी। जी ठीक है नितिन, वापस लौटेंगे आपके पास। वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र, बिलासपुर का क्या कुछ सूरत हाल? हाँ देखिए, यहाँ ठंड बढ़ी हुई है और 10 डिग्री तक के जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया है। लोग सुबह के वक्त चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि कैसे ठंड से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं। इस साल बहुत ठंड पड़ रही है, किस तरह से बच रहे हैं आप लोग ठंड से? इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है, और अपने को अभी कोरोना चालू हो गया तो बच्चों को स्कूल छोड़ना ये बहुत देख के चलना पड़ेगा अपने को। जी इस बार ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, और आप जो है मौसम भी बदल रहा है, कुछ बादल छाए हैं आसमान में, किस तरह से बच रहे हैं ठंड से? ठंड से बचने के लिए हम अपने स्तर पे जो भी कपड़े पहनने में जो भी सतर्कता रख रहे हैं, बच्चों के लिए सावधानी रख रहे हैं, और अभी हाल ही में कोरोना का प्रकोप का भी फिर शुरुआत होने जा रहा है, तो ये सब हम लोग को इतना दहशत ला दिया है ठंड के इस मौसम में, तो हमको बहुत ही ज़्यादा और लोगों को इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि ठंड से बचाव करना ही है। उसके लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को ढक कर रखें, गर्म पानी का उपयोग करें, चाय अपन पीते ही हैं, और जो भी अपन काढ़ा वाढ़ा उपयोग कर सकते हैं, सब चीज़ों का उपयोग हमको करना ही पड़ेगा, तभी हम ठंड बढ़ी है। और सुबह का वक्त है, आप लोग सुबह कहाँ निकले हैं और यहाँ खड़े होकर के चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं? हम सभी का टाइमिंग रहता है स्कूल का, जो कि 7 बजे हम सभी बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं, और यहाँ आते हुए चाय पीकर थोड़ा सा चर्चा कुछ चलती है, क्योंकि चुनावी माहौल है अभी, तो कुछ कुछ चर्चा होते रहती है। कोरोना का भी प्रकोप बढ़ रहा है बिलासपुर में, एक पेशेंट मिला है कोरोना का, इसको देखते हुए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बचाव के लिए मास्क हो गया या थोड़ा सा सैनिटाइजर का भी रखें, और थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हुआ था, शुरुआत में भी एक दो लोग ऐसे आए थे जो कि विराल फिर रूप लिया। और ठीक है वीरेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर भी जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या कुछ सूरत हाल है, कहां पर मौजूद हैं आप इस वक्त? देखिए मैं इस वक्त जो है वो जबलपुर के कजरवाड़ा इलाके में स्थित हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुंध आपको नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि धुंध जो है कितनी यहाँ पर आपको कोहरा नजर आ रहा है, और इस बीच लोग जो है वो किसी तरह जो है बचाते अपने गंतव्य तक निकल रहे हैं, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, या फिर काम धंधे की ही क्यों ना बात हो, लोग बड़े मुश्किल से घर से निकल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से जो है, हालांकि 2 दिन की अपेक्षा आज जबलपुर में जो न्यूनतम तापमान है वो कम है, 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, लेकिन पिछले 2 दिन के पहले बहुत ज्यादा सर्द थी, फिर भी बर्फीली हवाओं ने जो है वो लोगों का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बढ़ा दी है, लिहाजा लोग जो है वो सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कैसी है ठंड इस बार? ठंड बहुत तेज है, बहुत तेज ठंड है। लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। हाँ। अरे नहीं, ठंड कोई निकल ही नहीं रहा है, ऐसा ठंड ज्यादा है। आइए इधर आइए भैया, क्या कह रही ठंड इस बार? ठंड ज्यादा है और लोग नहीं आते हैं। लोग नहीं आ रहे हैं? क्या करते, क्या है आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो सुबह सुबह निकल पड़े मजदूरी करने? अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है ठंड ज्यादा है, और
ये है कि बहुत सारे स्कूलों में गनीमत यह है कि बहुत सारे स्कूलों में जो है वो छुट्टी अभी घोषित कर दी गई है, कुछ मिशनरी स्कूल जो है, लेकिन बहुत सारे स्कूल अभी भी लग रहे हैं। लिहाजा लोग जो है अभी कह रहे हैं कि ठंड के चलते जो है स्कूलों की छुट्टी घोषित की जाए, क्योंकि सुबह उठना बच्चों का सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है और जो कामकाज वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल जो है इस ठंड के चलते करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फीली हवाओं में सबसे ज्यादा जो है वो परेशान कर रखा है। खासकर सुबह की वक्त जो है और रात की वक्त जो है ठंड थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे है, बाकी दिन में जब धूप निकलती है तो लोग किसी तरह मैनेज कर ले रहे हैं। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। राकेश, क्या कुछ स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन स्तर पर क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार पारा जो है वो नीचे ही गिरता चला जा रहा है? बिल्कुल, हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं लगने के निर्देश हैं और अधिकार जो कहें 100% स्कूल है वो इसका पालन भी कर रहे हैं। यानी जो सुबह बच्चे 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे अपने घर से निकला करते थे, अब उस समय में परिवर्तन हुआ है और बच्चे 8 और 8:30 बजे के बाद ही घर से निकल रहे हैं। तो स्कूल टाइमिंग जो चेंज हुआ है उसका जो सीधा सा लाभ बच्चों को मिल रहा है, लेकिन हाँ सर्दी है और सर्दी में 9 बजे का टाइम भी छोटे बच्चों के लिए परेशान करने वाला है। ऐसे में वो तमाम उपाय जो कि सर्दी से बचने के लिए जरूरी हैं पेरेंट्स करते नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम इस समय देखें समूचे मध्य प्रदेश में तो सर्दी से बचाव के लिए रात में अलाव की जो निर्देश जारी किए गए हैं और जहां पर कि रात के समय कड़ाके की सर्दी है वहां पर कुछ स्थान पर अलाव देखने को मिल रहे हैं। और हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे अस्पताल का जायजा लेने रात के समय, उन्होंने कंबल भी वितरित किए थे। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो एक बार फिर सर्दी का दौर शुरू होगा, लेकिन कुछ दिन की राहत रहेगी 2 से 3 दिन की। और कल जो न्यूनतम तापमान है बताया जा रहा है कि कई जो जिले हैं जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम था उसमें राहत मिलेगी, लेकिन हाँ आज सर्दी रहेगी और कल से इसमें राहत मिलने के आसार हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राकेश कुमार इंदर, वीरेंद्र गैबई और नितिन नामदेव आप चारों का इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो लगातार दोनों ही सूबों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वहां पर पारा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा देखने को मिलेगा।